नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को चाल समय दूरी में नेक्स्ट अगला पाठ पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान तक मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या है? ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2008 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अगर इस वाले पार्ट को आप अगर पूरा कंप्लीट देखेंगे तो दोस्तों चाल समय दूरी में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे ये स्थानीय है, ये स्थानीय है दोस्तों साथी, और ये स्थान भी है, ये स्थान भी है। अब देखिए दोस्तों, दूरी कितना दिया गया है? दूरी 60 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब कुल दूरी क्या दिया गया दोस्तों? तो 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की दूरी है, ये सवाल में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। दोनों स्थानीय से रवाना होते हैं, इसका मतलब जो रवि है वो भी स्थानीय से रवाना होता है और जो अजय है वो भी स्थानीय से रवाना होता है। लेकिन क्या है, रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब रवि की अगर हम चाल लेते हैं दोस्तों, रवि की चाल अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर हम रवि की चाल बी मानते हैं तो अजय की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? अगर अजय की चाल आप निकालेंगे तो बी प्लस फोर हो जाएगा, बी प्लस फोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अजय की चाल रवि की चाल जो है अजय की चाल से 4% कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब अजय की चाल अगर रवि की चाल बी माने तो अजय की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? बी प्लस फोर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। इसका मतलब अजय जो है वो स्थान बी पर आया और इधर जब वापस मुड़ता है तो ये मान लीजिए दोस्तों, ये इस वाले स्थान पर मिल जाते हैं दोनों। ये स्थान जो है ये क्या है दोस्तों? मिलन है। ये स्थान मिलन मतलब पॉइंट है, मिलन बिंदु है। अब ये दूरी कितना दिया गया दोस्तों? तो 12 किलोमीटर। तो ये दूरी 12 किलोमीटर हो गई दोस्तों साथी, ये इतनी दूरी हो गई दोस्तों 12 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, टोटल दूरी 60 किलोमीटर है, अगर ये दूरी 12 किलोमीटर है तो ये कितना होगा दोस्तों? इसमें से इसको घटा देंगे तो ये दूरी आती है दोस्तों 48 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी 48 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या पूछा गया है तो आपको बता देना है। रवि की चाल ज्ञात कीजिए, रवि की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये रवि जो है ये स्थान से यहाँ तक आया है और अजय जो है वो स्थान बी पर पहुँच कर फिर इतना गया है तो उससे मिल गया है, रवि से मिल गया है, इसी को मिलन बिंदु माने हैं। तो आपको रवि की चाल ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर रवि यहाँ से चला है और यहाँ तक पहुँचा है, अजय भी यहाँ से चला है और वहाँ पर पहुँच कर फिर वापस लौटता है तो यहाँ पर पहुँचा है। इसका मतलब आपको देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर ये सोचना है कि सवाल को लगाना कैसे है। अगर आप इतना सोच लेंगे दोस्तों साथी तो हर एक सवाल आप लगाने योग्य हो जाएंगे। अगर आप यही नहीं सोच पाएंगे कि सवाल बनाएंगे कैसे तो आप फिर सवाल को लगा नहीं पाएंगे दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, रवि जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला है, लेकिन अजय जो है यहाँ से यहाँ तक चला फिर यहाँ पर आया। इसका मतलब ये जितना टाइम लिया रवि उतना टाइम ही अजय लिया, लेकिन ये दूरी अधिक कम तय किए हैं। क्यों दोस्तों साथी दूरी अधिक कम और तय किए हैं? क्योंकि इनकी चालों में डिफरेंट है। इस अजय की चाल रवि की चाल से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर पहुँच गया फिर यहाँ पर आ गया, लेकिन रवि की चाल कमज़ोर है, कम है, इसलिए यहाँ से यहीं तक आया है। लेकिन दोनों का टाइम सेम है, इसका मतलब है T1 बराबर T2, ये दोनों टाइम सेम है। बस अगर आपको इतना पता हो गया दोस्तों साथी तो ये सवाल आप लगा लेंगे। अगर ये सवाल के अंदर अगर आप यही नहीं जान पाएंगे तो इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे। इसका मतलब रवि जितना टाइम चला है, मान लीजिए रवि चला है तो उसको T1 समय लगा है और अजय जो चला है उसको T2 समय लगा है, इसका मतलब दोनों का टाइम सेम है दोस्तों साथी। बस आप इतना कर लीजिए, सवाल लग गया। अगर आप इतना इस सवाल के अंदर नहीं बना पाएंगे दोस्तों तो सवाल लगा भी नहीं पाएंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, तो आप बताइए दोस्तों, समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हम आपसे पूछें कि रवि कितना चला है तो रवि देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ही चला है, इसका मतलब रवि 48 किलोमीटर चला है। तो दूरी क्या मिल गई दोस्तों? 48 मिल गई।
दोस्तों अगर हम समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, दूरी ये हो गया, अब चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो रवि की चाल माने हैं तो बी ले लेंगे, इक्वल दोस्तों इक्वल लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अजय कितना चला, तो अजय यहाँ से यहाँ तक आया फिर यहाँ तक आया है, इसका मतलब अजय जो है पहले 60 किलोमीटर चला है और ये 12 किलोमीटर भी चला है, इसका मतलब टोटल कितना चला 72 किलोमीटर, तो इसकी दूरी निकालेंगे तो 72 हो जाएगा दोस्तों। और कितना कितना टाइम चाल क्या दिया गया दोस्तों, चाल दिया गया B+4, तो B+4 रख देंगे दोस्तों। अब बस दोस्त साथ ही आपको काट पीट कर इस सवाल का आंसर लगाना है, निकाल लेना है दोस्तों, बस इतने में ये सवाल लगाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए हम इतने आराम से बताते हैं, नहीं तो ये सवाल मैक्सिमम 10 सेकेंड का सवाल है, तो हर एक छात्र हर एक स्टूडेंट का है, इसलिए आपको अच्छे से बताते हैं समझाते हैं दोस्तों साथ ही। अब देखिए दोस्तों अगर हम काटते हैं, अगर हम 24 से काटते हैं तो 24 दुना और इसको 24 से काटेंगे तो 24 दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बन जाता है 3B और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 2B+8। अब देखिए दोस्तों ये 2B+ है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 3B में से 2B घटा लेंगे तो B बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 8। इस अब देखिए दोस्तों रवि की चाल माने हैं B का मान क्या है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब रवि की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों अगर इस सवाल के अंदर अजय की चाल पूछा गया होता तो 8+4 12 किलोमीटर प्रति घंटा अजय की चाल हो जाती, लेकिन सवाल के अंदर रवि की चाल पूछा गया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त साथ ही। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो आदमी एक ही समय स्थान ए से बी की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, दूसरा आदमी स्थान बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और रास्ते में पहले वाले आदमी से मिलता है, यदि ए से बी की दूरी 90 किलोमीटर हो तो कितने समय बाद वे मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों स्थान ए है और स्थान बी है, ये मान लीजिए दोस्तों स्थानीय है दोस्तों साथी और ये स्थान भी है। देखिए दोस्तों पहला आदमी भी स्थानीय से चल रहा है और दूसरा आदमी भी स्थानीय से चल रहा है, दोनों स्थानीय से चल रहे हैं दोस्तों। पहले आदमी की चाल दिया गया दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस आदमी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आदमी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है दोस्तों सवाल के अंदर। अब देखिए दोस्तों टोटल दूरी कितना दिया गया 90 किलोमीटर, इसका मतलब ये जो दूरी है दोस्तों ये 90 किलोमीटर की दूरी है, कुल दूरी जो है दोस्तों ये 90 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जब स्थान बी पर पहुंचा है और तुरंत वापस लौटता है, तो मान लीजिए दोस्त साथी इसी वाले पॉइंट पे वो दोनों मिल जाते हैं, इसी वाले बिंदु पे वो दोनों मिल जाते हैं, इसका मतलब पहला और दूसरा व्यक्ति इसी वाले पॉइंट पर मिल जाते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों मिलन पॉइंट हो गया, मिलन बिंदु हो गया। अब इस वाले अगर पॉइंट पर मिलते हैं तो ये दूरी हमको नहीं पता है दोस्तों साथी, इस दूरी को हम डी किलोमीटर मान लेते हैं, डी किलोमीटर ये दूरी हो गई दोस्तों साथी डी किलोमीटर। अब बताइए दोस्तों अगर हम ये वाली दूरी आपसे पूछें कितना होगा, मान लीजिए ये से और इस पॉइंट की दूरी कितना होगा, तब अगर हमको ये दूरी निकालना है तो दोस्तों 90 में से अगर हम डी को घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा, इसका मतलब ये दूरी कितना बना दोस्तों, तो ये दूरी बना 90 - d बना 90 - d किलोमीटर। इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना आप सवाल आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब दोनों एक ही समय चले हैं, दोनों का टाइम सेम है, इसका मतलब T1 बराबर T2 ये दोनों टाइम सेम है, बस अगर आपको इतना पता हो गया तो ये सवाल लग गया। अब ले जाके मान रखना है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, तो देखिए दोस्तों पहला वाला व्यक्ति ए से और इस वाले मिलन बिंदु पर आया है और यहीं पर आया है, तो ये वाला दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा है तो मिल गया है, इसका मतलब है अगर हम पहले वाले व्यक्ति की दूरी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 90 - d, इसका मतलब 90 - d ये पहला वाला व्यक्ति चला और इसकी चाल क्या दिया गया दोस्तों 20, तो 20 ले लेंगे। देखिए दोस्तों समय बराबर होता क्या है दूरी बटे चाल, ये ऑलरेडी आपको पता है, तो देखिए दोस्तों दूरी ये बन गया और चाल ये दिया गया, ये इक्वल कर लेंगे दोस्तों साथ ही इक्वल। अब देखिए दोस्तों दूसरे वाले व्यक्ति की अगर हम दूरी लेंगे तो दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आया है, इसका मतलब 90 किलोमीटर चला है और इतनी दूरी और भी चला है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा दोस्तों 90 + d बन जाएगा, इसकी चाल कितना है दोस्तों 25 है, तो 25। अब देखिए दोस्तों 5 से काट देते हैं तो 4 बार में और इसको काटेंगे तो 5 बार में, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है दोस्तों, जब क्रॉस गुणा करेंगे इसका गुणा इसके साथ दोस्तों और इसका गुणा इसके साथ। अब देखिए दोस्तों अगर हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 450 - 5d और इधर क्या बनेगा दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो 360 + 4d,
अब देखिए दोस्तों, डी टी एक तरफ लाइए और नंबर नंबर एक तरफ लाइए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 5d है, माइनस है, इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम 5d माइनस है, इक्वल की इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। साथ ही इसका मतलब 5d में अगर हम 4d जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 9d, 9d हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 450 अगर ये प्लस है, इक्वल की इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या तो 350 प्लस इक्वल की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 350 अगर इधर है, क्योंकि देखिए दोस्तों डी वाला नंबर इधर लाए हैं, तो इसका मतलब ये वाला नंबर अब उधर ले जाएंगे। तो 350 को अगर उधर ले जाएंगे तो 450 में से 350 को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बच जाएगा दोस्तों, 90 बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 9 से 90 को काटते हैं तो डी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो डी का मान मिलता है 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस आपको पता हो गया 10 किलोमीटर है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, ये 10 किलोमीटर होता है। अब पूछा है कि कितने समय बाद वे मिलेंगे, तो बता दीजिए कितने समय बाद वे मिलेंगे। अब आपको टाइम पूछा गया कितने समय बाद वे मिलेंगे दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, अगर टोटल दूरी 90 किलोमीटर है और जिसमें से ये दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितना बनेगा दोस्तों, तो 90 में से 10 को घटा देंगे, 80 किलोमीटर। तो अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये वाली जो दूरी है मिलन से यहाँ तक की 80 है, 80 बटे। अब देखिए दोस्तों, ये वाली दूरी तय क्योंकि यह पहला वाला व्यक्ति, तो पहले चाल का भाग लगा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 घंटा। इसका मतलब है 4 घंटे बाद वे दोनों आपस में मिलेंगे। अगर दूसरे वाले व्यक्ति से समय निकालना है तो देखिए दोस्तों, ये तो 90 चला ही चला है और 10 एक्स्ट्रा चला है, इसका मतलब वो कितना चला, 100 किलोमीटर चला है। तो अगर दूसरे वाले व्यक्ति से टाइम निकालेंगे तो अब इसका 25 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तब भी क्या मिलेगा दोस्तों, 4 घंटा मिलेगा। इसका मतलब 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप सबको मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से बताते हैं। अगर आप मेथड 1 से सवाल को नहीं लगा पाते हैं या आपको भारी लगता है, तो आप मेथड 2 का यूज करिए दोस्तों। ये मेथड 2 दोस्तों साथ ही ये बहुत ही यूजफुल तरीका है दोस्तों। तो मिलने का समय बराबर होता है, मिलने का अगर हम समय निकालेंगे तो क्या होता है दोस्तों, तो मिलने का समय बराबर 2d बटे b1 प्लस b2। ये आपको छोटा सा फार्मूला याद हो तो दोस्तों, तो इस तरह के सवाल आप लगा लेंगे। तो मेथड 2 क्या है दोस्तों, मिलने का समय बराबर 2d बटे b1 प्लस b2। अब देखिए दोस्तों, 2 है, d का मान क्या है, दूरी कितना है दोस्तों, तो दूरी आपका 90 किलोमीटर, तो 90 लेंगे। अब देखिए दोस्तों, b1 का मान क्या हो गया दोस्तों, 20 हो गया, तो 20 लेंगे, प्लस b2 का मान 25 है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 90, अब बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा दोस्तों। इससे ये काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 घंटा। इसका मतलब है मिलने का जो समय है वो कितना है दोस्तों, 4 घंटा है। अगर आप मेथड 1 से सवाल को नहीं बना पाते दोस्तों साथी, तो आप मेथड 2 का प्रयोग करिए दोस्तों। अब आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों, उस तरीके से आप सवाल लगा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो स्थानों पी और क्यू के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है, ए तथा बी पी से क्यू की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए क्यू पे पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और बी को स्थान आर पर मिलता है, पी और आर के बीच की दूरी क्या है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया हाई कोर्ट 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, दो स्थान है पी और क्यू, ये मान लीजिए दोस्तों स्थान पी है और ये वाला स्थान क्यू है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ ये पहला वाला व्यक्ति है और ये दूसरा वाला व्यक्ति है दोस्तों साथी, पहला और दूसरा। पहल देखिए दोस्तों, पहले वाले व्यक्ति की चाल क्या दिया गया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले वाले व्यक्ति की चाल दिया गया है, और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल दिया गया दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाले व्यक्ति की चाल। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, अब ये जो पहला वाला व्यक्ति है वो क्यू वाले स्थान पे आया है और यहाँ पे आके मिल गया है, तो मिलन वाले स्थान को क्या सवाल के अंदर कहा गया दोस्तों, तो आर वाले पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो ये वाला बिंदु जो है ये आर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टोटल दूरी सवाल के अंदर क्या दिया गया, कुल दूरी दिया गया 56 किलोमीटर, इसका मतलब कम्प्लीट दूरी जो है वो 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, अगर टोटल दूरी 56 किलोमीटर है, ये दूरी हमको नहीं पता है, तो इस दूरी को हम d किलोमीटर मान लेते हैं दोस्तों,
इतनी दूरी डी किलोमीटर हो गई दोस्त साथी। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इतना चला, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति इतना ही चला है। इसका मतलब दोनों का टाइम सेम होगा क्योंकि एक ही समय चले हैं। चाल कम बेसी इसलिए दूरी कम बेसी तय करेंगे, लेकिन टाइम दोनों का सेम लगेगा। इसका मतलब T1 बराबर T2 ये दोनों सेम होने वाला है दोस्त साथी। अब देखिए दोस्तों, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहला वाला व्यक्ति कितनी दूरी तय किया, तो देखिए दोस्तों, ये पहला वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आया और इतना फिर आया। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति की दूरी निकालेंगे तो 56 + D हो जाएगा। इसका मतलब 56 + D हो गया बटे, तो चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो पहले वाले व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4, इक्वल लगा लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वाला व्यक्ति कितना चला है, तो दूसरा वाला व्यक्ति इतना ही चला है। अब देखिए दोस्तों, टोटल दूरी अगर 56 है तो इतनी दूरी कितना, ये दूरी क्या बनेगी दोस्तों, तो 56 में से अगर डी को घटा देंगे तो ये दूरी बन जाएगी। इसका मतलब है 56 - D, ये इतनी दूरी होती है, PCR तक की दूरी होती है दोस्तों साथी। तो इसकी दूरी निकालेंगे तो 56 - D हो जाएगा दोस्तों। और इसकी चाल क्या दिया गया दोस्तों, 3 दिया गया, 3 रख देंगे दोस्तों। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बनता है 168 + 3D, और इधर अगर हम गुणा कर देंगे तो 24 और 20 = 22, इतना -40, ये आ गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, डी डी एक तरफ लाएंगे और नंबर नंबर एक तरफ लाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 4D माइनस है इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम 4D में 3D जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7D। ये 7D कैसे हुआ दोस्तों, ये 4D माइनस इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3D और 4D जोड़ेंगे तो 7D। अब देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर 168 इधर प्लस है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 56। इससे काट देंगे तो डी का मान क्या मिलता है दोस्तों, तो डी का मान मिलता है 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये इतनी दूरी कितना है दोस्तों, तो ये दूरी है 8 किलोमीटर, ये दूरी 8 किलोमीटर है दोस्तों साथी, 8 किलोमीटर। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है दोस्तों, तो सवाल में पूछा गया है पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पी और आर के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है दोस्तों साथी, पी और आर के बीच की दूरी। तो देखिए दोस्तों, पी वाला पॉइंट ये है और आर वाला पॉइंट ये है। इतनी दूरी अगर हमको पता 8 किलोमीटर है, तो 56 में से अगर 8 को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, तो कितना 40 किलोमीटर। अगर 56 में से 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 48 किलोमीटर। इसका मतलब पी से आर तक के बीच की दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों, 48 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सवाल को Method 1 से नहीं बना पाते हैं तो आप Method 2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो Method 2 क्या है दोस्तों साथी, तो Method 2 आपको बताएं, मिलने का समय बराबर, तो मिलने का अगर हमको टाइम निकालना है तो 2D / B1 + B2 ये होता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 2 तो है, D का मान कितना है, 56 है, तो 56 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले वाले व्यक्ति की चाल क्या है, 4 है, दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7। इससे काट देंगे तो कितनी बार में दोस्तों, तो 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब मिलने का समय निकालेंगे तो 8 × 16 घंटा, 16 घंटे के बाद वे दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए दोस्तों, ये 16 घंटा, इसका मतलब पहला वाला व्यक्ति भी 16 घंटा चला और दूसरा वाला भी व्यक्ति 16 घंटे चला है। लेकिन हमको सवाल के अंदर बताना है पी और आर के बीच की दूरी, तो पी से आर तक कौन कौन व्यक्ति चला है, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो पी से केवल आर तक ही चला है। इसका मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या दिया गया दोस्तों, 3 दिया गया है और समय 16 घंटा है, तो 16 इसका गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 48 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। आप सवाल Method 1 से लगाइए या Method 2 से लगाइए दोस्तों साथी, आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवाल को बना लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो वाहन एक ही समय में क्रमशः पी और क्यू नामक स्थानों से क्रमशः पी और क्यू पर जाने के लिए चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 7/2 घंटे और 18/7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यदि दूसरे वाहन की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहले वाहन की चाल ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों, एक स्थान पी है और एक स्थान क्यू है। मान लीजिए दोस्तों साथी, ये स्थान पी है और ये स्थान क्यू है। ये पहला वाला वाहन पी से चल रहा है और दूसरा वाला वाहन क्यू से चल रहा है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों इसी वाले पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पार करने का पॉइंट है, पार करते हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर इस वाले पॉइंट पे वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, पहला वाला व्यक्ति, अब देखिए दोस्तों मिलने के मतलब पार करने के बाद दूसरा वाहन जो है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया है, इसका मतलब है अगर हम T2 का मान निकालते हैं, दूसरे वाहन का समय मान लीजिए T2 है, तो देखिए दोस्तों दूसरा वाला वाहन अगर पार कर मिलने के बाद, इसका मतलब यहाँ से पार करने के बाद यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लिया है, तो 18/7 घंटा लिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 18/7 घंटा, ये क्या मिल गया दोस्तों, T2 का मान। इसी तरह से अगर हम T1 का मान निकालेंगे, पहला वाला व्यक्ति मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है, तो वह लिया है 7/2 घंटा। तो अब यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 कर देंगे दोस्तों, ये T1 का मान हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का सवाल लगाना है तो आपको एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है दोस्तों, तो B1 बटे B2 अंडर रूट मतलब करने में T2 और बटे T1, ये आपको छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको इस तरह के सवाल लगाने हैं या बनाने हैं, सवाल में नंबर लेना है दोस्तों साथ ही एग्जाम हॉल में, तो आपको ये छोटा सा फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, B1 बटे B2 और इक्वल अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों करने में T2 बटे T1, ये छोटा सा फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले वाले वाहन की चाल क्या दिया गया है दोस्तों, तो पहले वाले वाहन की चाल नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरे वाले वाहन की चाल क्या दिया गया है, दूसरे वाले वाहन की चाल दिया गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले वाहन की चाल हमको निकालना है, तो B1, दूसरे वाहन की चाल 70 दिया है, तो 70 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, T2 का मान क्या है दोस्तों, 18/7 है, तो अंडर रूट में 18/7 अब बटे T1 का मान क्या है, तो 7/2 है, तो 7/2 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 7 इसके साथ चला आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसके बाद अगर हम काम करते हैं दोस्तों साथी, तो B1 बटे 70 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जाके 18 के साथ लग जाएगा और ये 7 के साथ, तो 18 में अगर 2 का गुणा कर लेंगे तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा दोस्तों, 36, और यहाँ पे अगर हम 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 × 7 49 बनेगा। लेकिन अगर अंडर कर्णी से कोई नंबर हमको बाहर निकालना है तो उसका जोड़ा बनाना है। अब देखिए दोस्तों, 7 का एक जोड़ा बना और एक इसका स्क्वायर है, तो 6 का, इसका मतलब 6 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो B1 बटे 70 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/7। इससे ये काट देंगे दोस्तों 10 बार में, 10 का इधर ला के गुणा कर देंगे, तो B1 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहले वाहन की चाल क्या थी दोस्तों, तो पहले वाहन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर D। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ पे चले आए हैं और आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, यूसू क्लासे की ऐसा क्लासे है यूट्यूब पे, को आपको किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, मतलब आपको इस वाले क्लास के अंदर दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल से पढ़ाई करेंगे दोस्तों साथी, तो हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, एग्जाम हाल में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हम हर एक टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों। आपको देखिए दोस्तों, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 सवाल नहीं कराते हैं। अभी देखिए दोस्तों, चाल समय दूरी में आपको कम से कम 150 सवाल से ऊपर कराने वाले हैं, या 150 सवाल के नियरेस्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपके अगर आसपास स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो उनको भी हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस कीजिए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रम से एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुँचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की गति ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछा गया, ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL TA2 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का सवाल लगाना है, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों साथी, ये वाला स्थान एक्स है, ये वाला स्थान एक्स है और ये वाला स्थान वाई है, और मिलने के बाद अगर वो टाइम दिया जाता है सवाल के अंदर, मिलने के बाद मान लीजिए दोस्तों इस वाले पॉइंट पे उनका मिलन होता है, या इस वाले पॉइंट से वो दोनों अब पार होते हैं, तो मिलने के बाद मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला व्यक्ति है, या ये वाला यात्रा
ये वाला अगर व्यक्ति वहाँ पे है तो बी वाला व्यक्ति यहाँ पे होगा, तो ए वाला व्यक्ति जब यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगा तो उसके बाद का समय दिया गया है। इसका मतलब अगर हम टी वन का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 6 सही 1/8 घंटा तो क्या बन जाएगा दोस्तों 48 और 1 49/8, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 49/8 घंटा, ये टी वन का मान आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 48 और 1 49 कर देंगे तो 49/8 घंटा। इसी तरह से टी टू का अगर हम मान निकालेंगे दोस्तों, तो जब बी वाला व्यक्ति इस वाले पॉइंट पे इसका मतलब उससे मिला है या पार किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना घंटा लिया है, तो 8 घंटे लिया है। इसका मतलब बी टू का मान निकालेंगे तो 8 घंटा मिल गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बी वाले व्यक्ति की चाल दिया गया है, इसका मतलब बी टू का मान क्या दिया गया सवाल के अंदर 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 28 ले लेंगे दोस्तों। साथ ही अभी तक देखिए दोस्तों हम जितना भी चीज़ें बोर्ड पे लिखे हैं वो सवाल के अंदर दिया गया था। अब अगर इस तरह की आपको सवाल लगाना है, इसका मतलब पार करने के बाद का समय दिया गया है, तो आपको एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना है दोस्तों, लेकिन ये फार्मूला वहीं पे लगाना है जब पार करने के बाद का टाइम दिया गया हो। क्या लगाना है दोस्तों, बी वन बटे बी टू और अंडर रूट टी टू बट्टे टी वन, ये छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फिर आप सवाल लगा लेना। ये देखिए दोस्तों अगर आपको ये तरीका पता है कि पार करने के बाद का समय दिया गया है, तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताते हैं। डायरेक्ट आप ये फार्मूला ध्यान रखिए और इस पे ला के मान रख दीजिए। तो अगर ये सब चीज़ें ना बनाना होता तो मान रखना होता तो क्या होता दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बी वन का मान सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, बी टू का मान 28 दिया है तो 28 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों टी टू का मान क्या है, तो 8 घंटा है, तो 8 अंडर रूट 8 कर देंगे दोस्तों बटे। अब देखिए दोस्तों टी वन का मान क्या दिया गया है, 49/8, तो 49/8 कर देंगे दोस्तों, 49/8। अब देखिए दोस्तों 8 ऊपर चला जाएगा, ये 7 का जोड़ा है, ये 8, एक बार देखिए दोस्तों लाइन बढ़ा देते हैं तो बी वन बटे 28 और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों अंडर रूट 8 × 8 और नीचे क्या है दोस्तों देखिए 49 बचा तो 49। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे 7 × 7 करेंगे तो 7 का 1 जोड़ा बन जाएगा, 8 का 1 जोड़ा, तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों बी वन बटे 28, इसके बाद अगर सॉल्व करते हैं इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 8/7 मिल जाएगा, इससे काट देंगे दोस्तों तो 7 × 28, इसका ले जाके गुणा कर देंगे तो बी वन का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी वन का मान क्या मिलता है दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है पहले वाले व्यक्ति की चाल क्या थी दोस्तों, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर ये की चाल निकाला जाएगा दोस्तों तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, जल्दी से नेक्स्ट अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों साथी, तो थैंक यू दोस्तों।